एक्चुअली ना हम लोग आज बोगामाटे घूमने के लिए आए थे, लेकिन इतना अच्छा रास्ता लग रहा है कि मुझे मेरे को एक बात याद आ रहा है। एक बार मैं निकासी गया था साइकिल में, हाई रोड मेन रोड ऐसे ही था, तो उस हाई रोड को भी मैं दिखाता हूँ जो कौन रास्ता निकासी गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं बंगाली पड़ा होके, वो क्या बोलता है, बोर नदी का दलंग। तो हम लोग फाइनली अभी बंगाली पड़ा और इधर बोर नदी का दलंग में ब्रिज में, तो इधर एक दलंग और उधर एक दलंग और बीच में हमारा ये पार्क यानी कि फील्ड जैसा बना दिया है। तो शायद यहाँ लड़का और लड़की घूमने के लिए बनाया होगा शायद इसीलिए, लेकिन यहाँ इस जगह में हवा बहुत आता है। अगर लड़की स्कार लगा के आता है तो वो होता है क्या। मैं आपको यहाँ थोड़ा मेरा साइकिल का स्टैंड करके दिखाऊँगा कैसा लगेगा बोलना। एक्चुअली हम लोग ये जो बोर नदी का जो ब्रिज है ना, इसमें हम लोग स्टैंड दिखा रहे थे, तो साइकिल का जो आगे का सॉकेट होता है ना, उससे निकल कर सब मेरा शॉर्ट लेथरा कर दिया। तो देख सकते हो हम लोग कहाँ पर आए हैं, तो बंगाली पाड़ा का इधर जो बोर नदी का ब्रिज है उसमें हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो इधर ऊपर बगामाटी है और इधर बोगड़ी खुटी, क्या क्या इधर जाता है, इधर निकासी भी मैं इधर से गया था। और ये हो गया हमारा बीच का टापू, और यहाँ एक ब्रिज है और यहाँ एक ब्रिज है और ये बोर नदी है। और अभी हम लोग यहीं तक आए थे और यहाँ से घूम के फिर से हम लोग घर जाएंगे। तो देख सकते हो बोर नदी का खोला कितना बड़ा है, जो बोगामाटी से आता है ऊपर से, और वहाँ कुछ लोग आदमी कूद कर रहे हैं। इधर ऊपर है बोगामाटी का पानी यही है। तो पहले इधर नौका चलाता था शायद, लेकिन अभी ब्रिज हो गया बड़ा वाला, तो अभी नौका कहाँ चलेगा यार। फाइनली हम लोग अभी बोर नदी यानी कि बंगाली पाड़ा सामने से हम लोग ब्रिज से पार होके जा रहे हैं। तो ब्रिज देख सकते हो आप लोग। इसलिए हम लोग सुबह का भात खा के निकला था, लेकिन अभी तक शाम का पाँच बज गया है, तो होटल सब बंद कर दिया शायद लॉकडाउन से होगा, तो इसीलिए हम लोग का खतरा भूख लग रहा है यार।
फाइनली हम लोग बंगाली पाड़ा पहुंच गए हैं और अभी हम लोग इधर से आए थे बोगामाटी होके। इधर है बंगाली पाड़ा और इधर है बोगामाटी। तो हम लोग फाइनली अभी घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ता में हम लोग यह बंगाली पाड़ा आए थे घूमने के लिए, प्लेस देखने, जगह देखने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस का चेकिंग वो चल रहा था, तो अभी शाम होने वाला है। तो हम लोग पुलिस 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 देखा, तो मैंने हेलमेट लगा लिया क्योंकि मैंने हेलमेट लेके आया था। ये देख सकते हो मेरा साइकिल का हेलमेट और ये हो गया हमारा साइकिल। तो अभी अभी शाम का 5:30 यानी कि 5:40 हो गया। तो अभी हम लोग शुक्ला से थोड़ा इधर यानी कि हम लोग बंगाली पाड़ा तरफ जाने के रास्ता में है। तो अभी हम लोग शुक्ला पहुँचेंगे और शुक्ला के बाद डिमाकोसी, उसका बाद बामंजली और उसका बाद हमारा घर। तो शाम होने वाला है, 5:50 में हम लोग शुक्ला पहुँच गए। देख सकते हो हमारा शुक्ला का नज़ारा। एक लड़की को मिलने के लिए यहाँ से मैं ऊपर गया था, पहले एग्जाम देने आया था। तो ओए क्या हो सब, शुक्लाई को मंदिर को डल डल नाम के हो प्रमाणजी, मन्दिर त होइन मान्छे घर पो रहेछ त्यही त्यस्तो उल्टो साइड दे अनि फाइनली हाम अब शुक्लाको दलङ पहुँच्नेवाला पहुँच गए, यानि कि थोडा आगे है हाम्रा जो वो दिख रहा है शुक्लाइका दलङ। और हम लोग आए थे बङ्गाली पाडा उस तरफ, क्या बोलता है वो बोर नदी। वाओ यहाँ पनि तेल डेपो खोलेछ। तो आप लोग देख सकते हो शुक्लाई में भी एक तेल डेपो खुला हुआ है, पता नहीं यहाँ क्या क्या मिलता है। देख सकते हो आप लोग शुक्लाई, और ये शुक्लाई का ब्रिज है, बहुत अच्छा लगता है। 2-3 बार आया था मैं इधर ही घूमने के लिए। तो ये हम पूरा आज हम लोग ना बॉक्स है से हुआ है। तो अभी हम लोग शुक्लाई का दलंग में फाइनली पहुँच गए हैं। तो आपको दिखाएंगे यहाँ का दलंग हल्का सा कैसे होता है। आप लोग देख सकते हो ये हम लोग शुक्लाई का दलंग पुग गया। और तब मिला था हमारा कालो खोला, वो ये था जो बदला पड़ा का सामने मिला था। इसलिए ना हम लोग आज को बोगामाटी घूमने के लिए गए थे। तो हम लोग घर आते समय बंगाली पाड़ा होके आया। तो हम लोग फाइनली डिमाकोसी आ गए। ये हाई स्कूल है और इधर से हम लोग बामंजली जा रहे हैं अभी। तो अभी फाइनली बजने वाला है 8 और मैं घर पर पहुंच गया हूँ, यानी कि बोगामाटी बंगाली पाड़ा बर नदी होके घूम के डिमाकोसी होके। तो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो ट्रैवल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में क्या क्या बोल देना। तो आज का ट्रैवल वीडियो यहीं तक होने वाला है। तो सबको मेरा बाय बाय।